हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रस क्लासेस ऑनलाइन। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम लोग IUPAC नेमिंग को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लिया था और अभी हम केवल सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आगे चलेंगे तो वन बाय वन बात करेंगे। देखिए, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि कैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले एंस के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे, अल्कोहल, देन ईथर्स, देन एल्डिहाइड, कीटोन्स। जब सब कंप्लीट हो जाएगा वन टाइम, उसके बाद फिर हम सीनियोरिटी लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे और उसके बाद तब मिक्स ऑफ कंपाउंड, मतलब जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहता है, उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं तब उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको भी क्या करना है, इसी तरह से सिस्टमैटिक अप्रोच करना है ना। क्योंकि जब बुक आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, एक एल्केन होगा, एक एल्कीन होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एक मिक्स ऑफ कंपाउंड होगा। तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उन बच्चों को जो एकदम अभी नए हैं, जो 11th क्लास वाले बच्चे हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है खास तौर से कि आपको पहले वन बाय वन सभी ग्रुप्स को खत्म करना है, उसके बाद फिर जो है आपको मिक्स ऑफ कंपाउंड की बात सोचना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कुछ और स्ट्रक्चर लेते हैं और अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। CH3, CH2, CH2, अगला स्ट्रक्चर जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये लीजिए 9 कार्बन तक इधर और इसके बाद CH2, CH3 इधर और एक ग्रुप हमने यहां पर भी अटैच कर लिया। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम हमको सोचना है। तो क्या होगा इस कंपाउंड का नाम, इसको देखते हैं। तो एंस या सिंगल बॉन्डेड जब है तो केवल हम एक ही रूल फॉलो करते हैं, वो है लॉन्गेस्ट चेन का रूल, है ना। अब देखिए, यहां से अगर हम चलते हैं, हमारा जो ग्रुप मिल रहा है वो कहां पर है, सेकंड कार्बन पर यहां से आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अगर यहां से हम चलते हैं तो 1, 2, 3, तो ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कार्बन का चेन बन गया और ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन और लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के बाद जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं हमारे, उसको हम अल्काइल ग्रुप की तरह नाम करेंगे। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, देखिए 1, 2, 3 पर इधर भी एक साइड मिथाइल है, इधर भी एक साइड मिथाइल है। तो क्या हो जाएगा, 3, 3 डाई मिथाइल 3, 3 डाई मिथाइल और कुल कार्बन चेन कितनी है, 10 कार्बन की चेन है, टोटल 10 कार्बन की चेन है। तो अब पेरेंटल चेन कितने की हो जाएगी, 10 कार्बन एटम्स की। तो नाम क्या हो गया, 3,3-डाइमिथाइल डेकेन। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 3,3-डाइमिथाइल डेकेन। ठीक है, इस कंपाउंड का करेक्ट नेम क्या हो जाएगा, 3,3-डाइमिथाइल डेकेन। ओके, तो कुल मिलाकर के अब जो अल्केन्स वाली चैन है उस पर हम लोगों ने काफी काम कर लिया है। अब थोड़ा सा इसको मैं लाइन नोटेशन के टर्म में लाता हूं, इन टर्म्स ऑफ लाइन नोटेशन कैसे देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे एक सिंपल सा कंपाउंड लिखा था मैंने शुरू में आपके लिए, CH3, CH2, CH2, CH3। तो दिस कंपाउंड इज ब्यूटेन। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। अगर मुझे लाइन नोटेशन से इसको लिखना होगा तो कैसा हो जाएगा, इट इज लाइक दिस 1, 2, 3, 4 फ्रॉम दिस साइड अगेन इट इज 1, 2, 3, 4। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटेन। इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल ब्यूटेन। दिस इज 2-मिथाइल ब्यूटेन। अब ये इसका नाम क्या हो गया, 2-मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। तो अगर मुझे इसको लाइन नोटेशन में एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा। अब देखिए क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो अब क्या हो जाएगा नाम इसका? अगेन द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2-methyl butane। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 2-methyl butane इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो ये लाइन नोटेशन से लिखा मैंने, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, आराम से समझ में आएगा। क्योंकि हमको इसकी प्रैक्टिस नहीं रहती है इसलिए थोड़ी सी शुरुआत में दिक्कत महसूस करेगा, लेकिन अभी एकदम स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे अगला स्ट्रक्चर लिया मैंने, अगला स्ट्रक्चर ये लिया मैंने, है ना, दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 फ्रॉम दिस साइड, अगेन 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? 2,3-डाई-मिथाइल ब्यूटेन। 2,3-डाई-मिथाइल ब्यूटेन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का सही आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 2,3-डाई-मिथाइल ब्यूटेन। 2,3-डाई-मिथाइल ब्यूटेन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं और कंपाउंड्स कैसे बना सकते हैं? देखिए जैसे मैंने एक ऐसा कंपाउंड बना दिया, ये पॉजिटिव का साइन है ना। अब क्या हो गया? ये कंपाउंड कहां से आ रहा है? देखो ऐसा हो रहा है, ये 1, ये 2 और ये 3, 1, 2, 3 और 2 पर सेकेंड कार्बन पर ये CH3। तो ये लाइन नोटेशन है, ये उसको सिंपल लिखा मैंने तब ऐसा आएगा, है ना। तो क्या नाम हो जाएगा इसका कंपाउंड का? व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? 2,2-डाई-मिथाइल प्रोपेन। 2,2-डाई-मिथाइल प्रोपेन। तो जो प्लस का साइन है उसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2,2-डाई-मिथाइल प्रोपेन। 2,2-डाई-मिथाइल प्रोपेन। ओके, क्लियर? तो 2,2-डाई-मिथाइल प्रोपेन इस कंपाउंड का करेक्ट नेम होगा। तो दिस इज द लाइन नोटेशन ऑफ द कंपाउंड्स। ये कंपाउंड को लाइंस के थ्रू लिखने का तरीका हुआ। ठीक है, अब आगे कुछ और स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लेटर से उठाया K, अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो देखो कैसा है ये, इसको नॉर्मली मैं और कैसे लिख सकता था? ऐसे भी तो लिख सकता था। ठीक है, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप, दोनों ग्रुप कार्बन के जो एक साइड दिख रहे हैं उसको हम एक साइड इस तरफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो K का नाम क्या हो जाएगा? देखिए 1, 2, 3 फिर से क्या हो गया ये? 2,2-डाई-मिथाइल प्रोपेन। 2,2-डाई-मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, 2,2-डाई-मिथाइल प्रोपेन। ओके, क्लियर? तो 2,2-डाई-मिथाइल प्रोपेन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? 2,2-डाई-मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। अगले कंपाउंड पे आते हैं। अगला कंपाउंड लिया मैंने आपके लिए, ये दिस इज द नेक्स्ट कंपाउंड, है ना। तो अब इस कंपाउंड का IUPAC नेम हमको सर्च करना है। इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होगा? फिर से एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, देखिए। अब इसको नेम करना है तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 जहां पे कार्बन अप डाउन है, मतलब वहां पे कार्बन होगा तभी तो अप एंड डाउन कार्बन आप जोड़ पाओगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब कार्बन नंबर 3 पर दोनों तरफ 2-2 कार्बन के ग्रुप बचे हैं, उस साइड भी 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा? 3,3-डाई-इथाइल। 3,3-डाई-इथाइल और 5 कार्बन की पैरेंटल चेन है, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। 3,3-डाई-इथाइल पेंटेन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का करेक्ट नेम क्या हो जाएगा? 3,3-डाई-इथाइल पेंटेन। 3,3-डाई-इथाइल पेंटेन इस कंपाउंड का करेक्ट नाम होगा। ठीक है, तो 3,3-डाई-इथाइल पेंटेन। अब देखो मैं साइक्लो कंपाउंड भी लेता हूं आपके लिए एक, जैसे मैंने ऐसा लिखा, दिस कंपाउंड इज, ओके। अब ये साइक्लो कंपाउंड है, जो इसका हेड पार्ट है वो कैसा है? साइक्लो है। ठीक, अब यहां पे फिर से काउंटिंग नंबर लेते हैं, 1, 2, 3 और इस साइड से लोगे तो 1, 2 और ये आ जाएगा 3rd पर। अब देखो 1 और 3, यहां से भी 1 और 3, तो 1 + 3 को टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। दिस साइड से भी 1 + 3 कितना आया 4 आया। तो फ्रॉम बोथ साइड द काउंटिंग नंबर्स आर सेम, दोनों साइड से काउंटिंग नंबर कैसा है सेम है। और अगर दोनों साइड से काउंटिंग नंबर सेम है तो हमको क्या काम करना पड़ेगा, तब काम क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, अल्काइल ग्रुप को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, 1 ethyl 3 methyl 1 ethyl 3 methyl 1 ethyl 3 methyl। और पैरेंट क्या है इसका, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1 ethyl 3 methyl साइक्लोहेक्सेन। 1 ethyl 3 methyl साइक्लोहेक्सेन इस कंपाउंड का करेक्ट नेम हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्ट्रक्चर पर आते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगले स्ट्रक्चर का नाम बनाना शुरू करते हैं। फिर से बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा लेता हूं, थोड़ा सा उसमें चेंज कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज द कंपाउंड, ओके। अब इसको कैसे नाम करेंगे, तो फिर से क्या काम करना है, मैंने आपको बताया कि जब भी अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा बार होंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा काउंटिंग नंबर डालेंगे। बिना काउंटिंग नंबर के हम बिना काउंटिंग नंबर के नेमिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब डिफरेंट टाइप के अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं तब। ठीक है, तो देखो यहां से अगर हम चलते हैं तो 1 पे मिथाइल है दो बार, 1 2 3, तो 1 पे दो बार मिथाइल, तो 1 + 1 + 3 टोटल करिए कितना आ गया, 2 + 3 5 आ गया। और अगर यहां से आप चलते हो 1 2 और 3 पोजीशन पे आप दोनों मिथाइल को लेते हो, तब क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 3 मिथाइल कहां पे ले गए यहां से हम थर्ड पोजीशन पर ले गए। नाउ द काउंट सम ऑफ द काउंटिंग नंबर्स आर 1 3 + 3 6 + 1 7। इट मींस फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द कार्बन चैन द काउंटिंग नंबर्स आर नॉट सेम, दोनों साइड से इस बार काउंटिंग नंबर सेम नहीं है। और जब काउंटिंग नंबर सेम नहीं होगा तब हम क्या काम करने वाले हैं, लोवेस्ट सम रूल को फॉलो करने वाले हैं। सम करने पर जो लोवेस्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग नाम करने वाले हैं। ठीक, तो लोवेस्ट नंबर हमारा क्या है, 5 इज द लोवेस्ट नंबर। सो द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1। पहले अल्फाबेटिकल, नाम लिखते समय हमेशा अल्फाबेट का यूज करेंगे, नाम लिखते समय हमेशा अल्फाबेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस हियर, 1 2 3 पर इथाइल आया तो 3 इथाइल, ओके। 1 1 डाईमिथाइल 1 1 डाईमिथाइल 1 1 डाईमिथाइल। और टोटल पैरेंटल चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, लेकिन वो क्लोज्ड है तो साइक्लोहेक्सेन है वो। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, 3 इथाइल 1 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, तो इस कंपाउंड का नाम ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो देयर इज द नेम ऑफ द कंपाउंड 3 इथाइल 1 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, तो इस तरीके से साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग पर भी हम अब काम करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो है, हालांकि ये लाइन नोटेशन के बिल्कुल सिंपल से कंपाउंड्स है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमने लेटर की बात की थी, तो जैसे मैंने लिखा ए, ठीक है, अब ये लेटर है, इसका ऊपर का हिस्सा कैसा है, क्लोज्ड है, तो साइक्लो हो गया। मतलब अगर मैं केवल इतने स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, इतना हिस्सा इसका कैसा है, साइक्लोप्रोपेन है ये। अब यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, कहां पर, जहां से नियरेस्ट पोजीशन मिलेगी, तो 1 2 3 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन इस कंपाउंड का करेक्ट नेम होगा। तो लेटर ए का IUPAC नेम हो जाएगा 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ओके। 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन इस कंपाउंड का सही IUPAC नेम होगा। ठीक है, अब और कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो अब देखो एक और कंपाउंड लेता हूं मैं। एक बार ये क्वेश्चन आया तो जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो ध्यान में रहता है कि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, तो अब देखिए ये क्वेश्चन आया जिसमें जो रेड क्रॉस का साइन है इसका IUPAC नाम पूछा। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसके बारे में बात करना है। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो देयर इज 12 कार्बन एटम। जो रेड क्रॉस का साइन है उसके अंदर टोटल 12 कार्बन एटम्स हैं। देयर आर 12 कार्बन एटम्स। ओके, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का अब करेक्ट नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोडोडेकेन। साइक्लोडोडेकेन, 12 को आप क्या बोलते हो, डोडेकेन बोलते हैं। तो नाम हो गया साइक्लोडोडेकेन। साइक्लोडोडेकेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोडोडेकेन हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो अब धीरे धीरे इंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंस की बात करते हैं। कुछ डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की नेमिंग करना सीखते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाले में सफिक्स को ध्यान रखना है, केवल इन यहां पे सफिक्स है। और एक बात और ध्यान रखना है, अगर लॉन्गेस्ट चैन और बॉन्ड में प्रायोरिटी देनी होगी, अगर लॉन्गेस्ट चैन और बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी होगी तो पहली प्रायोरिटी यहां पर बॉन्ड को जाएगी। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी, बॉन्ड को जाएगी। ठीक है, तो चलिए कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। जैसे सिंपली मैंने एक स्ट्रक्चर लिया आपके लिए CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। देयर इज 4 कार्बन एटम्स। कुल 4 कार्बन एटम की चैन है मेरे पास और 2 के बाद डबल बॉन्ड है। फ्रॉम बोथ साइड द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज आफ्टर द सेकेंड कार्बन। ओके, तो नाउ व्हाट हैपन्स, 1 2 3 4 कैसे लिख सकते हैं, ब्यूट। डबल बॉन्ड को क्या कहते, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन ब्यूट, 4 कार्बन इज कॉल्ड ब्यूट। डबल बॉन्ड इज कॉल्ड इन, इट्स पोजीशन इज आफ्टर सेकेंड कार्बन। तो ब्यूट टू इन सबसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसका, ब्यूट टू इन। टू ब्यूटीन भी कह सकते हैं, टू ब्यूटीन भी इसको हम कह सकते हैं, लेकिन सबसे सही तरीका क्या है कहने का, ब्यूट टू इन। ठीक है, अब अगर मैंने इसको इस तरीके से सेट किया, अब क्या हो जाएगा, ब्यूट 4 कार्बन इज ब्यूट, डबल बॉन्ड इज इन, आफ्टर फर्स्ट कार्बन है तो ब्यूट 1 इन। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज ब्यूट 1 इन। इस कंपाउंड का सही नाम क्या होगा, ब्यूट 1 इन इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड, है ना। इस कंपाउंड का सही नाम क्या होगा, ब्यूट 1 इन। अब एल्कीन्स के कुछ और स्ट्रक्चर्स पर बात करते हैं। अब मान लीजिए मैंने इसको ऐसा लिखा, डबल बॉन्ड को 2 बार ले लिया, डबल बॉन्ड को 2 बार ले लिया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 तो क्या हो गया, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया। यहां तक क्लियर। अब 1 के बाद और 3 के बाद डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1 3। डबल बॉन्ड 2 बार है तो डाई इन, ब्यूट 1 3 डाई इन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का करेक्ट नेम क्या होगा, ब्यूट 1 3 डाई इन। ब्यूटा 1 3 डाई इन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्यूट 1 3 डाई इन इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का करेक्ट नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 3 डाई इन। अगर मान लीजिए इस स्ट्रक्चर में मैं थोड़ा और चेंज करता हूं, जैसे मैंने इसको ऐसे स्ट्रक्चर में लिया है ना, तो अब ये एक नया स्ट्रक्चर बनाया मैंने आपके लिए। अब काउंटिंग देखते हैं। तो अब देखो, अब डबल बॉन्ड कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ गया। और पोजीशन देखनी पड़ेगी कि वो कहां कहां पर है, तो दोनों साइड से काउंटिंग नंबर डालिए, 1 2 3 4 5 6 7 from this side 1 2 3 4 5 6 and 7. तो 7 कार्बन चैन इज देयर. पहले तो कार्बन चैन को देख लीजिए कितने कार्बन की चैन है, 7 कार्बन की चैन है. तो क्या हो जाएगा हेप्ट, अब हेप्टा भी कह सकते हैं ना, हेप्ट. अब बॉन्ड की पोजीशन देखिए फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द पोजीशन ऑफ बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज आफ्टर फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स्थ. तो कितना आ रहा है 1 3 6. लेफ्ट से राइट पर कितना आ रहा है 1 3 6 और राइट से लेफ्ट पर क्या पोजीशन मिल रही है आपको 1 4 6 1 4 6. तो दोनों का काउंटिंग नंबर अलग अलग आएगा, दोनों में काउंटिंग नंबर इस बार अलग अलग आ रहा है. तो जब काउंटिंग नंबर अलग अलग आ रहा है 1 3 6 और 1 4 6 तो दोनों को सम करेंगे तो डिजिट चेंज हो जाएगी. और अगर चेंज हो गई तो हम क्या करेंगे लोवेस्ट सम रूल को फॉलो करेंगे. किसको फॉलो करेंगे? लोवेस्ट सम रूल को फॉलो करेंगे. तो करेक्ट नेम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का हेप्ट 1 3 6 1 3 6 ट्राईइन. हेप्ट 1 3 6 ट्राईइन इस कंपाउंड का करेक्ट नेम होगा. हेप्ट 1 3 6 ट्राईइन, हेप्टा 1 3 6 ट्राईइन भी कह सकते हैं. ठीक है, तो जब डबल बॉन्ड 2 से ज्यादा बार है या 2 बार भी है तब भी हम ये चेक करेंगे कि पोजीशन कहां पर मिल रही है. पोजीशन को ध्यान रखना एकदम जरूरी है. ठीक है, एक और स्ट्रक्चर करके देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. जैसे मान लीजिए मैंने आपके लिए ऐसा एक स्ट्रक्चर लिखा. ठीक है, अब यहां से देखो बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 3 4 5 6. यहां से 1 2 3 4 5 6. तो यहां पे डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां पर है? लेफ्ट टू राइट पे 1 और 3 फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन के बाद है. यहां से क्या पोजीशन मिल रही डबल बॉन्ड की आपको? 3 और 5, 3 और 5. ठीक, तो लोवेस्ट डिजिट कौन सा है? 1 और 3. 1 3 4 हो गया और 3 और 5 8 हो गया. तो सम रूल फॉलो होगा, लोवेस्ट सम रूल फॉलो होगा. ओके, तो करेक्ट नेम क्या हो जाएगा कंपाउंड का? हेक्स कितना है? 1 है और 3 है, 1 3 डाईइन. हेक्स 1 3 डाईइन इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड. कंपाउंड का सही नाम क्या होगा? हेक्स 1 3 डाईइन इस कंपाउंड का करेक्ट नेम हो जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद और स्ट्रक्चर्स पर इसके बात करते हैं, इसके कुछ और स्ट्रक्चर्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं. ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने एक कंपाउंड आपको दिया इस बार, दिस टाइम देयर इज अ कंपाउंड. ओके, अब इस कंपाउंड का आपको नाम चाहिए, डबल बॉन्ड भी है इसके पास और मिथाइल ग्रुप्स भी बचेंगे यहां पर. तो आप लॉन्गेस्ट, आप पहले कार्बन चेन पे जाइए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. तो फ्रॉम एनी साइड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4. जिस चेन को आप सेलेक्ट करोगे, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन हर बार सेकेंड कार्बन के बाद ही है. तो क्या सिचुएशन मिल रही है? 1 2 3 4. तो देखो 1 2 3 4. तो दिस इज द पैरेंटल चैन. ये मैंने पैरेंटल चैन लिया. अगर ये दोनों मिथाइल ग्रुप नहीं होते तो इसका नाम मैं क्या रख देता? ब्यूट 2 इन रख देता. इट्स नेम इज ब्यूट 2 इन इफ मिथाइल ग्रुप इज नॉट देयर. लेकिन अभी यहां पे दो जगह पे CH3 ग्रुप है, एक सेकेंड कार्बन पर और एक थर्ड कार्बन पर. तब नाम क्या हो जाएगा? 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल. The name of the compound is 2 3 dimethyl, 2 3 dimethyl but 2 in. The name of the compound is 2 3 dimethyl but 2 in. अब इस स्थिति में इस कंपाउंड का ये सही नाम होगा 2 3 dimethyl but 2 in is the correct name of the compound this time. Okay, तो अगले ग्रुप की बात करते हैं इसके बाद. अब देखो अगर मैंने इसी कंपाउंड को थोड़ा सा चेंज किया और ऐसा कर लिया मैंने, ध्यान से देखेंगे है ना, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये. अब ये C2H5 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं. ठीक है। तो C2H5 ग्रुप को हम ब्रेक कर सकते हैं CH2 CH3 के अंदर। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? CH2 CH3 के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, तो देखो एक बार इसी कंपाउंड का दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। तो ये हो जाएगा, इथाइल को ब्रेक कर दिया CH3 CH2 में, ये CH2 ये CH3, ये CH2 और ये CH3। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम चाहिए मुझे। तो देखो, अच्छा एक कार्बन मिसिंग हो गया, ओके फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। C डबल बॉन्ड C और ये CH2 CH3 और ये भी CH2 CH3। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर? तो अब यहां से 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपको मिल सकता है। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहां से 1 2 3 4 5 6। लेकिन बॉन्ड की जो पोजीशन है, फ्रॉम दिस साइड इट इज 1 2 3 आफ्टर थर्ड, फ्रॉम दिस साइड इट इज आफ्टर थर्ड, फ्रॉम दिस साइड इट इज आफ्टर थर्ड, फ्रॉम दिस साइड इट इज आफ्टर सेकेंड कार्बन। अगर मैं CH3 से आगे जाता हूं तो बॉन्ड की पोजीशन सेकेंड कार्बन के बाद मिलती है, और मुझे इस टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर पहली प्रायोरिटी बॉन्ड को देना पड़ेगी। ठीक है, तो अब मतलब आप इसको 6 कार्बन की चेन कंसीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 6 कार्बन की चेन कंसीड करते हैं तो आपके बॉन्ड की पोजीशन चेंज होकर के 1 2 3 पर पहुंच जाएगी, और यहां से बॉन्ड की पोजीशन 1 2 3 4 5 बॉन्ड की पोजीशन सेकेंड कार्बन के बाद मिल रही है। तो इस सिचुएशन में जब बॉन्ड और लॉन्गेस्ट चेन की बात आएगी तो बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देना है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? 2,3-डाई-इथाइल, 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 2,3-डाई-इथाइल। ओके, क्या नाम हो गया? 2,3-डाई-इथाइल। कुल कार्बन चेन कितने की है? 5 की है। पैंट 2 इन इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का सही नाम क्या हो जाएगा? 2,3-डाई-इथाइल पैंट 2 इन होगा इस कंपाउंड का सही नाम, क्योंकि मुझे पहली प्रायोरिटी बॉन्ड को देनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पे बॉन्ड को देना है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर के बारे में, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो अगला जो स्ट्रक्चर हम लोग लेने वाले हैं वो ऐसा, अगर मान लीजिए मेरे पास ये सिचुएशन जनरेट हो रही है, केवल मैं उन टॉपिक्स पे बात करना चाह रहा हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है वहाँ पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं बस। ठीक है, अब मान लीजिए एक कार्बन चैन मेरे पास ऐसी है, इसको चेंज करते हैं अभी। ठीक है, देखिए ये आया, ये लिया मैंने यहाँ पे, ओके, और यहाँ से मैंने ये लिया। ठीक है, ये कार्बन चैन है मेरे पास। अब क्या करें? 1 2 3, तो देखो यहां से देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन मिल सकते हैं मुझे, 8 कार्बन मिल सकते हैं, लेकिन बॉन्ड की पोजीशन सेकेंड कार्बन के बाद आएगी। और अगर मैं यहां से चलता हूं तो बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट कार्बन के बाद आएगी, और मुझे क्या बात देखना है? अपने बॉन्ड की पोजीशन को देखना है। तो बॉन्ड यहां से फर्स्ट कार्बन के बाद आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस बार भी ये स्ट्रक्चर यहां पे करेक्ट होगा। और 3 पे जो ग्रुप आ रहा है, 1 2 3, तो 3 प्रोपाइल, और कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, हेप्ट। What is the position of the bond? First and fifth. Hept 1,5-di-in. 1,5-di-in is the correct name of the compound. तो इस compound का correct name हो जाएगा, the correct name of the compound is 3-propyl हेप्ट 15 डाईइन, हेप्ट 15 डाईइन, मतलब यहाँ पर भी हमने बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया, लॉन्गेस्ट चेन को हम यहाँ प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आगे आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, अगला स्ट्रक्चर लेते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर देखो, अगर हमने सिंपली एक कार्बन चेन बनाया फिर से CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर है और किसी भी कंडीशन में आप तीनों डबल बॉन्ड को कार्बन चेन में जोड़ नहीं सकते हो, आप कार्बन चेन में तीनों डबल बॉन्ड को ऐड अप नहीं कर सकते हो। तो अब क्या करेंगे, फिर जो हमारा डबल बॉन्ड वाला ग्रुप बचा रहेगा उसको हम अल्काइल्स के जैसे, अल्किनिल्स के जैसा यूज करेंगे एज अ अल्किनिल्स। तो नाउ इट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 and 7 and now this group is remaining and this group is known as vinyl। क्या कहते हैं इस ग्रुप को? विनाइल कहते हैं। this group is known as vinyl। तो what is the name of the compound? 3 विनाइल। क्या कहेंगे इसको? 3 विनाइल। कितने कार्बन है टोटल? 7 कार्बन is there। हेप्ट 15 डाईइन, 15 डाईइन is the करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड का सही नाम क्या हो जाएगा? 3 विनाइल हेप्ट 15 डाईइन। 3 विनाइल हेप्ट 15 डाईइन। इसलिए अल्काइल ग्रुप्स को जो लिखवाया है मैंने, अल्काइल रेडिकल्स, उनको याद रखना है, उनकी जरूरत हमको रोज पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो रोज ही जरूरत उसकी पड़ने वाली है। ठीक है, अगले स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके बाद C डबल बॉन्ड CH2। कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है उसके लिए काम कर रहे हैं। CH डबल बॉन्ड CH2, देयर इज अ स्ट्रक्चर। ओके, अब फिर से 3 जगह पे डबल बॉन्ड है और सभी बॉन्ड्स को कार्बन चेन में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन चेन बनाने का जो रूल होता है वो यह है कि आप कहीं से भी कहीं जा सकते हो, लेकिन अगर आप कॉपी पर काम कर रहे हो तो पेन और पेंसिल को उठा नहीं सकते हो। मतलब ऐसे जा सकते हो, ऐसे आ सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसे चले गए फिर ऐसे चले गए फिर रिपीट करके फिर ऐसे आ गए, ये पॉसिबल नहीं है। रिपीट नहीं कर सकते और ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक, तो इस कंपाउंड के लिए हम ये सेलेक्ट करें 1 2 3, थर्ड पे ये यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी थर्ड पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 एंड नाउ दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइलिडीन। क्या कहते हैं इस ग्रुप को? मिथाइलिडीन कहते हैं। इट्स पोजिशन 8 थर्ड कार्बन एटम। तो क्या नाम हो जाएगा? 3 मिथाइलिडीन, 3 मिथाइलिडीन। 3 पर मिथाइलिडीन वाला ग्रुप आ रहा है, 3 मिथाइलिडीन। हाउ मेनी कार्बन इज देयर? टोटल 5 पेंट। द बॉन्ड पोजीशन इज आफ्टर फर्स्ट एंड फोर्थ 1 4 डाईइन इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। तो करेक्ट नेम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का? 3 मिथाइलिडीन पेंट 1 4 डाईइन। पेंट 1 4 डाईइन इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। तो ये इस कंपाउंड का करेक्ट नेम होगा। तो देयर इज सम टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स, और जहां जहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। अब देखो इसको लाइन नोटेशन में लाता हूं मैं। तो जैसे मैंने लाइन नोटेशन में लिया इसको, तो ये कैसा हो जाएगा आप देखिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, कैसे लिखेंगे नाम इसका? ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का करेक्ट नेम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन इस कंपाउंड का करेक्ट नेम हो जाएगा। नाउ The second structure is this one. Okay. So what is the name of the compound? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो कैसा हो जाएगा? हेक्स, हेक्सा भी लिख सकते हैं. हेक्स 1, 4, 1, 4. डाईइन. हेक्स 1,4 डाईइन is the correct name of the compound. तो इस compound का correct name क्या हो जाएगा? हेक्स 1,4 डाईइन. हेक्सा 1,4 डाईइन भी कह सकते हैं. ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी सेट हो जाएगा. जैसे ऑप्शंस रहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको बैलेंस करना पड़ सकता है. इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. अगले कंपाउंड पर बात करते हैं. अगला कंपाउंड लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. जैसे अब मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर लिया आपके लिए, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सवनइन, साइक्लोहेक्सीन कह सकते हैं. साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सवनइन, साइक्लोहेक्सवनइन और साइक्लोहेक्सावनिन भी कह सकते हैं. साइक्लोहेक्सावनिन भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इट इज प्रोनाउंस्ड एज साइक्लोहेक्सावनिन. ओके, तो ये इस कंपाउंड का करेक्ट नाम हो जाएगा. अगले कंपाउंड की बात करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट कंपाउंड आया हुआ कंपाउंड है, ये एग्जाम में पहले आ चुका है. ठीक है, और ये इसका टोटल स्ट्रक्चर. अब इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन चेन को चेक करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 कार्बन इज देयर. यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप भी मिल रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 कार्बन इज देयर इन द कार्बन चैन. इस कार्बन चैन में कुल 10 कार्बन है. 10 कार्बन एटम इज देयर इन द कार्बन चैन. ओके, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? 3 पर मिथाइल आया, 5, 6 पर 2 बार इथाइल आया, तो पहले इथाइल लिखना पड़ेगा. 5, 6 डाई इथाइल, 5, 6 डाई इथाइल. देन 3 मिथाइल, 3 मिथाइल. डेक 5 इन, डेक 5 इन इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड. 5, 6 पे इथाइल, 5, 6 डाई इथाइल, 3 मिथाइल. डेक 5 इन इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड. तो इस कंपाउंड का करेक्ट नाम है 5, 6 डाई इथाइल, 3 मिथाइल, डेक 5 इन. ओके, अगले स्ट्रक्चर पर आते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अब कुछ स्ट्रक्चर्स जो है हम रिलेटेड विथ आइंस लेते हैं. आइंस YNES के कुछ स्ट्रक्चर लेते हैं. एल्कीन्स और एल्काइंस में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल इन की जगह पे आइन आ जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा. जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर लिया ट्रिपल बॉन्ड का, तो इसको क्या कहेंगे? एथाइन. क्या कहेंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा. ठीक है, एथाइन और एथ वन आइन भी कह सकते हैं. एथ वन आइन सबसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. एथ वन आइन, वन एथाइन भी कह सकते हैं, लेकिन एथ वन आइन सबसे सही तरीका है इसको लिखने का. अब जैसे मैंने इसी स्ट्रक्चर को ऐसा कर दिया, अब क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 आइन. नाउ इट इज ब्यूट 1 आइन. ओके, और अगर मैंने इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से लिख दिया है, ओके, तो नाउ दिस टाइम इट इज 1, 2, 3, 4, 5. तो क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम? पेंट 1,5 डाई आइन. पेंट 1,5 डाई आइन इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड, तब इस कंपाउंड का करेक्ट नेम क्या हो जाएगा, पेंट 15-डाईआइन। इस कंपाउंड का करेक्ट नेम हो जाएगा पेंट 15-डाईआइन। ओके, अब एक और बात कर लेते हैं यहां पे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड्स, आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब लाइन नोटेशन से भी लाएंगे तो बिल्कुल सिंपली जैसे बाकियों में लाइन नोटेशन था, इसमें भी लाइन नोटेशन वैसा ही रहेगा। अब जैसे मैंने इस कंपाउंड का नाम आपसे पूछा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 फ्रॉम दिस साइड 1 2 3, ओके, तो 3 4 5 और 6 क्या हो जाएगा, हेक्स 3-आइन। हेक्स 3-आइन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, हेक्स 3-आइन। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे और बात करते हैं, फिर इसके बाद आगे हैलाइड्स के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। तो अगला जो कंपाउंड है हमारा, अगली बात जो हमको करना है वो ये है कि अगर मान लीजिए कार्बन चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हों, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं। हालांकि ये आता तो सिनोप्टिक लिस्ट के बाद है इसका नेमिंग, लेकिन यहाँ पे करा देते हैं, कई स्ट्रक्चर ऐसे आपको मिलेंगे तो वो दिक्कत क्रिएट करेंगे, इसलिए इसको कर लेते हैं। इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट इन द कार्बन चेन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं अगर कार्बन चेन में, तो सबसे पहला काम आपको करना है, टेक द काउंटिंग नंबर। आपको काउंटिंग नंबर लेना है, टेक द काउंटिंग नंबर पहला काम काउंटिंग नंबर्स लेने हैं, सम अप करना है उसको, है ना। टेक द काउंटिंग नंबर, इफ द काउंटिंग नंबर्स आर सेम, काउंटिंग नंबर्स, सम ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर सेम कहना चाहिए। इफ द सम ऑफ द काउंटिंग नंबर्स आर सेम, देन preference given to डबल बॉन्ड। अगर काउंटिंग नंबर सेम है तो पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी, डबल बॉन्ड को जाएगी। इफ द काउंटिंग नंबर्स आर सेम देन प्रेफरेंस और प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल, अन्यथा लोवेस्ट सम रूल, न्यूनतम योग के नियम का पालन करना होगा। ठीक है, तो अगर दोनों साइड से काउंटिंग नंबर आपको सेम मिल रहा है तब प्रायोरिटी किसको जाएगी, डबल बॉन्ड को जाएगी, अदरवाइज आपको यहां पे लोवेस्ट सम रूल ओबे करना पड़ेगा, तो ठीक है, स्ट्रक्चर से देख लेते हैं, स्ट्रक्चर से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर पर, क्या कहा रूल ने, उसको स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे तो वो ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगी बात। देखिए जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर लिया, देयर इज स्ट्रक्चर, ओके, सिंपल सा स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3, 4 टेक द काउंटिंग नंबर। ये मैंने काउंटिंग नंबर डाला इस पे, है ना। यहां से 1 के बाद डबल बॉन्ड है और 3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 + 3 कितना हो गया 4। फ्रॉम दिस साइड फर्स्ट के बाद ट्रिपल बॉन्ड है और थर्ड के बाद डबल बॉन्ड है, तो 1 + 3 अगेन कितना हो गया 4 हो गया। फ्रॉम बोथ साइड द सम ऑफ द काउंटिंग नंबर्स आर सेम। जो बॉन्ड की प्रायोरिटी है, जो बॉन्ड की पोजीशंस हैं दोनों साइड से, उनका सम कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। 1 + 3, 1 + 3, 4 फ्रॉम बोथ साइड। ओके, सो द काउंटिंग आर, सो द प्रायोरिटी इज गिवन टू, प्रायोरिटी इज गिवन टू, किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड। सो द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूट 1 इन 3 आइन, ब्यूट 1 इन 3 आइन। अब इस कंपाउंड का करेक्ट नाम होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब कार्बन चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो पहले आपको काउंटिंग नंबर लेना है। अगर काउंटिंग नंबर सेम है तो पहली प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को जाएगी, मतलब ब्लाइंडली आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हो, तब पहली प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को जाएगी। अगर मान लीजिए ये कार्बन चैन ऐसा होता, अगर ये कार्बन चैन अब ऐसी है, फिर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इन द कार्बन चैन, देन व्हाट हैपेंस 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 दोनों साइड से हमने काउंटिंग नंबर्स लिए। फ्रॉम दिस साइड लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं हम तो क्या नंबर मिल रहा है आपको, बॉन्ड की पोजीशन क्या है 2 + 4, टोटल करिए कितना हो गया 6। एंड फ्रॉम दिस साइड फर्स्ट और थर्ड के बाद 1 + 3, 1 + 3 इज 4। इट मींस द काउंटिंग नंबर्स आर नॉट सेम दिस टाइम। काउंटिंग नंबर अभी सेम नहीं है, सम ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर नॉट सेम। देन व्हाट हैपेंस, तब अभी क्या काम करना पड़ेगा, अभी आपको जो लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग आया, जो लोवेस्ट डिजिट है उसके अकॉर्डिंग आपको नाम करना है। तो दिस टाइम द नेम ऑफ द कंपाउंड इज, इस बार अब इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पेंट। 5 कार्बन है, पेंट 3 इन, क्योंकि ई तो अल्फाबेट में पहले आता है, तो पेंट 3 इन। और आइन की पोजीशन कहां पर आ गई है, फर्स्ट कार्बन के बाद आ गई है। तो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज पेंट 3 इन 1 आइन। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज पेंट 3 इन 1 आइन। ओके, तो दिस इज द IUPAC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। अब अगले लेक्चर में हम लोग अल्काइल और अराइल हैलाइड से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर पर काम करेंगे। उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, उनके बारे में भी बात करेंगे। ओके, और फिर सो ऑन, अल्कोहल्स, ईथर्स, 1 बाय 1 पहले सभी ग्रुप्स को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर सिनोटिलिस्ट लेंगे, सिनोटिलिस्ट को याद करेंगे, उसके बाद फिर मिक्स ऑफ द कंपाउंड पर बात करेंगे। ओके कमांडोस, थैंक यू।